सुबह से इस बिल्ले जी ने मुझे बहुत चक्कर में डाला हुआ है। मैं सैर करने निकली तो मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे ये स्ट्रीट डॉग्स जमा होकर पेड़ की तरफ देखकर भौंक रहे हैं। मुझे बहुत अचंभा हुआ कि ये पेड़ को देख के क्यों भौंक रहे हैं, और कितना प्यारा सा पेड़ है, बॉटल ब्रश। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ। और जब मैं देखने गई तो मैंने देखा एक बिल्ला, सुबह सुबह का वक्त है, रोशनी कम है, फिर भी आई होप बिल्ले जी को आप देख पा रहे हैं। मैं और पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये ये बिल्ला जी सुबह से यहाँ हैं और कुत्ते इन पे भौंक रहे थे, तो मुझे लगा कि ये इंजर्ड है या ये ठीक नहीं है, और इसलिए कुत्ते इन पे झपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं वहाँ खड़ी हो गई और सोचा कैसे इसकी मदद करूँ। तो मैंने सब कुत्तों को हड़काया, थोड़ा छोटे छोटे पत्थर से मारे उनको डराने के लिए, फिर भी नहीं वो भागे, तो उनको पुचकार के प्यार से मैं दूर ले गई और भाग गए सब। फिर वापस आई देखने कि बिल्ले जी का क्या हाल है, तो देखा बहुत सारी सेवन सिस्टर्स उस पेड़ पे जमा होकर और उनको जोर जोर से जैसे डांट रही हैं। अब मुझे लगा ये पक्का इंजर्ड है और ये चिड़िया सब उनको चोंच मार के खाने की ताक में है। तो मैं और डर गई और उनके लिए, ये बिल्ले जी के लिए मुझे और ख़राब लगा। तो फिर मैंने सब चिड़ियों को उड़ाने की कोशिश की, बहुत देर लगी, सब चिड़ियों को उड़ा दिया, बेसिकली सेवन सिस्टर्स। और फिर मैं अब देखने लगी तो अब ये हिल नहीं रहे, गर्दन इधर से उधर लुढ़क रही है, आंखें बंद हुई जा रही हैं। और फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, इस बिल्ले की कैसे मदद करूं। तो फिर मैंने कुछ फ्रेंड्स को परेशान करना शुरू किया फ़ोन करके, और बोला ऐसे एक बिल्ला है, तुम आके मेरी मदद करो, उसको नीचे उतारें, क्या करें, नीचे उतारेंगे तो पंजा मारेगा। तो सबने बोला रहने दो, छोड़ दो, सोने दो, बिल्ले ऐसे ही सोते हैं, और वो सो जाते हैं और फिर गहरी नींद सो जाते हैं और फिर नहीं उठते बहुत देर तक। अब ये मैंने तो पहली बार देखा है, क्योंकि मैंने ऐसे इतनी गहरी नींद में कभी भी किसी बिल्ले को सोते हुए नहीं देखा। तो फिर मेरे